हेलो चार्टेड अकाउंटेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। आपने इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स को भी क्लियर किया है, सो वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर किया है। आज ये जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली उसके लिए है, जैसे अभी हमें पता है कैंपस के, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैंपस के जो फॉर्म है वो कल लास्ट डेट है, 24 जुलाई लास्ट डेट है अप्लाई करने की। सो कैंपस फॉर्म फिल करते टाइम हमें सेंटर सेलेक्ट करना होता है, वेदर यू हैव टू ऑप्ट फॉर बिग सेंटर, स्मॉल सिटी सेंटर, ये सेंटर्स ऑप्ट करने होते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली आपको ये बताएगी कि आपको सेंटर्स आपको चूज करने में गलती ना हो, क्योंकि आपको बेसिकली सारा प्रोसेस पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनीज अच्छी कंपनीज, हायर पैकेजेस वाली कंपनी कौन सी सिटी में आती है, कौन से सेंटर में आती है, एंड क्या बेसिकली उनका मैकेनिज्म रहता है, कैसे वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए। सो इस वीडियो के एंड तक देखिए और आपको पता चलेगा कि बेसिकली कैसे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, कब आपके इंटरव्यूज होंगे, कब आपकी बेसिकली लोकेशन क्या है, क्या क्या। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यस, सो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने अनाउंसमेंट जो निकाली है ये मैंने CMIB की साइट से निकाली है, सो आप भी सर्च कर सकते हैं ये अनाउंसमेंट, और अदरवाइज़ मैं PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो ऐसे हमें यहाँ से पता चलता है कि जो हमारे कैंपस हैं वो हमारी 24 जुलाई लास्ट डेट है, ये मैंने आपको भी बताई दिया है। इसके अलावा ये जो सेंटर्स जो होते हैं हमारे, इधर लिखा हुआ है द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन विल बी 24th, और ये हमारे सेंटर्स है वन बिगर एंड स्मॉलर। या इसमें एक सस्पेंस की बात ये होती है कि आप एक बिगर सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, बिगर सेंटर्स की जो हमारे स्टेट्स है ये है, सिटीज़ ये हैं, एंड उसके अलावा आप एक स्मॉल सेंटर भी कर सकते हो। एक बात याद रखना कि जो स्मॉलर सेंटर्स की है उसकी लास्ट डेट अभी 10 सितंबर है, बट आप इस ये मत करना कि आप लार्ज को ऑप्ट ही मत करो, बिगर सिटीज़ को आप सोचो कि भी स्मॉल सेंटर को ऑप्ट करूँगा, ऐसा मत करना, क्योंकि स्मॉल सेंटर्स में पैकेजेस भी कम आते हैं हमारे पास, और जो है हमारे पास कंपनीज भी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है। तो आप एक बिगर अभी ऑप्ट कर लो, और स्मॉलर जो आएंगे जब स्मॉलर को तो वैसे भी अब टाइम है, तो स्मॉलर क्या बाद में कर लेना। अभी जो कैंपस इंटरव्यू की हमारी जो डेट्स है वो ये है कि हमारी 24 जुलाई कल हमारी ये क्लोज हो जाएगी, उसके बाद हमारे जो इंटरव्यू शेड्यूल होंगे वो 22 अगस्त से लेके आप चेक कर सकते हो, मुंबई 22 से है, उसके बाद हमारा जो लास्ट वो होगा वो 27 सितंबर तक, मतलब सितंबर तक चलेंगे ये हमारे जो इंटरव्यूज़ है। इसके अलावा इस बार याद रखना कि जो हमारे इंटरव्यूज़ है वो फिजिकल मोड में होंगे, आपको पर्सनली वहाँ पे जाना पड़ेगा, वॉक इन टाइप इंटरव्यूज़ है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे आप हमारे जो इंटरव्यूज़ है वो मतलब अगस्त में स्टार्ट है, तो अब क्या आपको ये तभी पता चलेगा कि 22 अगस्त को कि आपकी कौन सी कंपनी शॉर्टलिस्ट किया, नहीं आपको पहले ही पता चल जाता है। ये आपको इधर दिख रहा होगा ऑनलाइन कंसेंट गिविंग बाय कैंडिडेट्स, तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज जो है हमें वो शॉर्टलिस्ट कर लेगी 5 से 7 अगस्त के बीच में, या अलग अलग डेट्स है, उसके बाद हमें कंसेंट देनी होती है 9 से 11 अगस्त के बीच में। अगर मैं मुंबई न्यू दिल्ली की बात करूँ तो आप अपना कंसेंट दोगे, और उसके बाद जो है कंसेंट देने के बाद आपका जो होएगा एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होएगा। इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हो कि इसे कैसे क्लियर करना है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और इसके अलावा आप याद रखना कि जो सेकंड दो राउंड्स में हमारे इंटरव्यू होते हैं, इसमें फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, तो फर्स्ट राउंड का जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो 9 से 11 अगस्त के बीच में होगी, और सेकंड राउंड के 13 से 14 अगस्त में। तो आप ये मत सोचना कि आपको आप मैक्सिमम आपके पास लेट सपोज आपके पास 10 कंपनीज आई, तो 10 कंपनीज के आप पहले ही राउंड में आप ये मत सोचना कि जिसने आपको शॉर्ट लिस्ट किया 10 की 10 की कंपनी के इंटरव्यू दे दोगे, नहीं, आप मैक्सिमम 4 कंपनीज को इंटरव्यू दे सकते हो। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपके पास सारी अच्छी कंपनीज आ गई तो 4 की 4 आप सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज आप एक कंपनी सेकंड राउंड के लिए छोड़ देना। और जो आपको सिलेक्शन करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे करना है, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो दे सकते हैं कि कौन सी कंपनी से सिलेक्ट करना है, और इसके ऊपर भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं और वीडियोस बना दूंगी इसके ऊपर। अब इसके बाद जो मैं आपको बता रही थी कि कौन सी कंपनी बेसिकली कैसे हायर पैकेजेस वगैरह जो वाली मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग में बात बताई थी, तो ये हमारा ब्रोचर एक ICI ने निकाला था थोड़े टाइम पहले ही, ये भी आपको CMIB की साइट से मिल जाएगा, इसका भी मैं लिंक आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब इसमें क्या है कि 5 दिन हमारे इंटरव्यूज चलेंगे, जैसे कि हमने बताया उसमें अपने प्रीवियस में। तो अब इसमें बेसिकली क्या है कि 22 से हमारे इंटरव्यू स्टार्ट है, और ये 27 सितंबर आप ये देख सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि कंपनीज जो है मेरे पास जो day 1 पे कंपनी आएगी वो ज़्यादा CTC देगी, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे 20 लाख मेरा CTC होगा, सेकंड कंपनी 14 लाख, सेकंड डे पे थर्ड 11.5, 10.5, 9.5। सो डेज वाइज कंपनी आती है, जो अच्छी अच्छी कंपनीज होएगी वो day 1 पे ही आ जाएगी, एंड आपको day 1 पे ही शॉर्टलिस्ट कर लेगी, और आपको जो day 1 पे सिलेक्ट होगा उसका पैकेज हायर होगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिटी वही सिलेक्ट करनी है जो आपके होम टाउन के पास हो, जहाँ पे आप चाहते हो कि आप जॉब करना चाहते हो, तो वही सिलेक्ट करना।
प्लस उसके बाद जो कंपनीज़ है उस कंपनीज़ के प्रॉपर रिव्यूज़ दे के, पैकेजेस वगैरह दे के, अच्छा से जो डिस्क्रिप्शन होता है जब सिलेक्शन हो जाता है, जब आपके पास शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल्स होंगी वो अच्छे से पढ़ के देना। और उसके बाद क्या है कि जो आप वॉकिंग के लिए जाओगे तो वॉकिंग के लिए प्रॉपर एक फॉर्मल कोड होता है, ड्रेस कोड होता है, वो आपको डाल के जाना है। एंड बी कॉन्फिडेंट, अपना रेज्यूमे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको रेज्यूमे में भी मेरी हेल्प चाहिए तो मैं वो भी उसमें भी हेल्प कर दूँगी, वो भी आप कॉमेंट में मुझे डाल दो। एंड इसके अलावा क्या है, ये जो हमारी गाइडलाइंस है ये आप पढ़ सकते हो, ये आपको पूरी गाइडलाइंस मिल जाएगी cmib.ici.org में। और ये सारा जो हमारा शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है कि एक कंपनी, लेट सपोज किसी कंपनी में डिलोइट में हमारी 5 वैकेंसीज है लेट सपोज, तो वो अपने से 10 गुना सिलेक्ट करते हैं, मतलब 50 स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आप सोचो कि आप 50 सीट्स के लिए सिर्फ 5 कैंडिडेट्स को बेसिकली सिलेक्ट होंगे, तो कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने इंटरव्यू के लिए। सो बी प्रिपेयर्ड, एंड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता देना।